तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है खिलौने वाला। ये इस कविता के रचयिता है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। यह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, करती चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत बड़ी सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, दूर दूर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सर ला कहती है, मां से लेने को सारी, मां से लेने को सारी, मां से लेने को सारी। कभी खिलौने वाला भी मां क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा अम्मा तुमने तो ला करके दे दिए मुझे पैसे चार, अम्मा तुमने तो ला करके दे दिए मुझे पैसे चार। कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी करो मन में विचार, तुम भी करो मन में विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माये मैं कभी न लूंगा, ये तो है बस बच्चों के खेल। मैं तो तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही